ये पागल आत्मा इस मोटे आदमी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ये पागल आत्मा मोटे आदमी को मारने के लिए कहां कहां ना उसके पीछे चले जाते हैं, चाहे कड़कती धूप वाला रेगिस्तान हो या देश के किसी भी कोने में। यहां तक कि पानी के अंदर भी पागल आत्मा मोटे आदमी का पीछा नहीं छोड़ता, उसे हर समय चम्मच से मारता रहता है। अब मोटे आदमी करे तो करे क्या, और उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, और तो और उसे बम से भी उड़ा देता है, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। अब मोटा आदमी उस पागल आत्मा से भागते भागते थक चुका है, पर आखिर में ये पागल आत्मा उस मोटे आदमी को चम्मच से मरते मरते उसे मार ही देता है।